ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ बात करेंगे आज एक ऐसे पौधे की जिसका संबंध सभी के जीवन से होता है। सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी चल रही है और छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय कर लिए अगर इस पौधे के साथ भी तो जीवन में चल रही परेशानियाँ कहीं ना कहीं कम होती नजर आएंगी। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है और प्रकृति में जन्म लेने वाले हर पेड़ पौधे का भी कहीं ना कहीं बहुत महत्व है, चाहे उसका औषधीय महत्व हो, चाहे आयुर्वेदिक वे से महत्व हो, वैज्ञानिक तौर पे महत्व हो या धार्मिक महत्व हो। हर पेड़ पौधे हर जीव जंतु का कोई ना कोई जो इस दुनिया में आ गया ईश्वर की जो रचना है उसका कहीं ना कहीं कोई बहुत महत्व है। आपको पता है हमारा तंत्र भी हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, अग्नि पृथ्वी वायु जल और धरती। अग्नि पृथ्वी वायु जल और धरती और पांचों तत्वों का बैलेंस्ड होना संतुलित होना हमारी एक अच्छे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो इसी तरह पेड़ पौधों का भी अपना महत्व है, धरती से उपजते हैं, धरती की वजह से उपजते हैं और उनका भी एक विशेष महत्व है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कैसे विशेष पौधे की जिसकी पूजा से शनि के प्रकोप से शनि देव की दृष्टि से शनि देव के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है और उस पौधे का नाम है शमी का पौधा। शमी का पौधा अक्सर आपको सुनने में मिलता है और ये एक ऐसा पौधा है जिससे अगर शनिदेव से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है अगर हम इसका पूजा पाठ करें तो हमें उस समस्या से कहीं ना कहीं बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं शनिदेव न्यायाधीश है, शनिदेव की जो गणना है न्यायाधीश के रूप में की जाती है, दंड अधिकारी के रूप में की जाती है। तभी कहते हैं इंसान को बुरे कर्म करने से पहले जरूर सोच लेना चाहिए। देखिए आज कोई इंसान बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, मान है, सम्मान है, पर कहीं वो अपनी इसी स्थिति के कारण किसी का बेवजह मन दुखाता है, किसी के साथ गलत करता है, किसी का हक मारता है। तो कहते हैं ना जब भी शनिदेव जीवन में आएंगे दंडाधिकारी बन के आएंगे, न्यायाधीश बन के आएंगे और जब शनिदेव जज की कुर्सी में बैठ ही जाते हैं तो फिर तो चाहे कोई कितना भी बड़ा अमीर आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना ही गरीब इंसान क्यों ना हो, जो भी हमारे जीवन का लेखा जोखा होता है उसी के अनुसार हमें न्याय देते हैं। तो शनिदेव न्यायाधीश है। तो जब भी शनि की महादशा चल रही होती है, शनि की साढ़े साथी चल रही होती है, शनि की ढैया चल रही होती है तो जातक के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किया जाता है, इससे लोग भयभीत भी रहते हैं। तो पीपल और शनि दो एक ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पूजा से शनिदेव से मिलने वाले बुरे प्रभावों को कम किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष की विशालता के कारण उसको घर में नहीं लगाया जा सकता, तो आप शमी का पौधा अपने घर में रख सकते हैं। शमी का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं, शमी का पौधा आप अपने घर के बाहर ईशान कोण में रख सकते हैं, पूर्वोत्तर ईशान कोण अर्थात पूर्वोत्तर जिसे कि हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं वहां रख सकते हैं, या जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके बाएं हाथ पे शमी का पौधा होना चाहिए। शमी के पौधे की प्रत्येक शनिवार पूजा कीजिए, शाम के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाइए। ऐसी मान्यता है कि जो शमी का पौधा है वो एक ऐसा चमत्कारिक पौधा है अगर इसको घर में लगा लिया जाए तो किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होती। शमी के पौधे में एक तेजस्विता है, तेजस्विता और दृढ़ता का प्रतीक है, अग्नि तत्व है शमी के पौधे में। आपने अक्सर सुना होगा जब भी यज्ञ और हवन की तैयारी की जाती है तो उसमें शमी की समिधा से अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शमी के पौधे को हम शनिदेव से क्यों जोड़ते हैं। देखिए शनिदेव कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कितनी भी जीवन में परेशानियां क्यों ना हो, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार बतलाते हैं कि जीवन को किस तरह जीना है, हार नहीं माननी। उसी प्रकार शमी का जो पौधा है किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी तरह की इसको एटमोसफेयर किसी भी तरह का क्यों ना मिल जाए, चाहे इसको रेगिस्तान में ले जाओ या कहीं सूखी जगह पे ले जाओ, बस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अगर इनको सपोर्ट मिलता है तो शमी का पौधा स्वयं अपने आप को स्टेबल कर लेता है, अपने आप को संतुलित कर लेता है, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो अपने आप को हारने नहीं देता। इसलिए शमी के पौधे को कहीं ना कहीं शनि देव से जोड़ा जाता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी शनि से संबंधित, अगर आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी शनि से संबंधित कोई भी दोष है तो शमी के पौधे को आप अपने घर पे लगाइए।
प्रतिदिन उसकी सेवा पूजा कीजिए और शनिवार के दिन शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाइए। शनि से संबंधित कहीं ना कहीं पीड़ा आपकी कम हो जाती है। शनिवार के दिन आप शमे की जड़ में काले तिल डाल सकते हैं, उड़द की दाल डाल सकते हैं। कहते हैं शमी का पौधा अगर घर में लगाएं तो पूरे परिवार पे देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, घर में पॉजिटिविटी आती है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में परेशानी नहीं पैदा कर सकती। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है शमी के फूल। कहते हैं भगवान शिव को बहुत, जब हम अभिषेक करते हैं या उनकी पूजा करते हैं या उनपे जल चढ़ाते हैं, अगर उन्हें शमी के फूल चढ़ाए जाए तो वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के सभी संकट हर लेते हैं और गृहस्थ जीवन में भी कहीं ना कहीं सुख शांति देते हैं। बुधवार के दिन जब हम गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं तो साथ साथ अगर शमी के पुष्प, शमी के पत्ते भी उनको अर्पित करें तो हमारे जीवन में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आती। जीवन में कहीं अगर दुर्घटना ग्रस्त, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए या एक्सीडेंट के कोई योग बन रहे हैं, तो प्रतिदिन हमें शमी के पौधे के दर्शन करने चाहिए, उससे भी जीवन में चल रही परेशानियां कहीं ना कहीं कम होती हैं। देखिए शमी के पौधे में भगवान शिव का वास होता है, तो शमी का पौधा अगर आपके जीवन में कहीं भी शनि से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है, किसी की कुंडली में सपोज कीजिए शनि की महादशा चल रही है और जीवन में परेशानियां अचानक से शुरू हो गई हैं, तो घर पे ले आइए शमी का पौधा, उनकी सेवा कीजिए, उनको जल चढ़ाइए, शाम के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए। और ये भी मान्यता है इसमें कि जब राम जी ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी के पौधे की पूजा की थी, ऐसी कथा प्रचलित है कि जब उन्होंने लंका पे आक्रमण करना था तो उन्होंने शमी के पौधे की पूजा की थी। ये भी माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने हथियार जो है शमी के पौधे की जड़ में छुपा दिए थे, तभी कहा जाता है इसमें अग्नि तत्व है, तभी इसकी संविधा का प्रयोग कहीं ना कहीं यज्ञ और हवन में किया जाता है। देखिए शनिदेव आपकी कुंडली में न्यायाधीश बन के आते हैं, दंड अधिकारी बन के आते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे सर्वप्रथम करने योग्य कार्य है वो ये है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्मों को अच्छा रखना है। देखिए हम ये सोचे कि हमारे कर्म तो बहुत खराब है, हम सबका दिल दुखाते हैं, सबके साथ विश्वासघात करते हैं या किसी के साथ कोई छल करते हैं, किसी तरह की बेईमानी करते हैं, किसी का हक मारते हैं। देखिए परिस्थिति वश अगर कुछ हो जाए, किसी के साथ जीवन में सच में अनहोनी हो जाए तो उसको मैं यहाँ नहीं कहूंगी, पर अगर हम नॉर्मल जीवन में बात करें, अगर हम जानबूझ के गलतियां करते हैं और उसके बाद हम सोचें कि हम एक शमी का पौधा घर पे लाके लगा लेते हैं और उससे शनिदेव हमसे रुष्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। सर्वप्रथम आपको अपने कर्मों को अच्छा रखना है, अपने कर्मों को अवश्य अच्छा रखिए, घर में शनि का पौधा लाके रखिए। शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में शनि से संबंधित चल रही परेशानियां ये पौधा जरूर दूर करेगा, ये एक चमत्कारिक पौधा है। आशा करते हैं आपको ये शमी के पौधे के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।